जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी SSC एग्जीक्यूटिव IT ब्रांच ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस नोटिफिकेशन का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप यहाँ पर वेबसाइट चेक कर पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर jobsgyan सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको सर्चिंग में इंडियन नेवी SSC एग्जीक्यूटिव IT ब्रांच या फिर इंडियन नेवी SSC एग्जीक्यूटिव इतना सर्च कर लेना है और फिर आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे इसके एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी दी गई है, जैसे कि इसमें 45 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे BBTech और MSc जो कि कंप्यूटर साइंस या IT से आपने की हो की योग्यता मांगी है। एज आपकी 2/1/1997 से लेकर के 1/7/2002 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी को कोई पे नहीं करनी है और आप लोग इस फॉर्म को 2 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे। नीचे आप डिटेल्ड में क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आने पर अगर आपने पहले जो इंडियन नेवी की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई किया था तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है, नहीं तो आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किसके माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार वर्चुअल ID या फिर आधार नंबर। तो यहां से हम ये सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट इश्यूड फोटो ID चूज करनी होगी। इनमें से आप कौन सी ID देना चाहते हो आपको चूज करना होगा, इनमें से कोई एक ID आपको देनी आवश्यक है। फिर इसके बाद आपको जो भी ID आपने चूज किया उसका नंबर यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। पहले फर्स्ट नेम डालिए, अगर मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहां पर अपने पापा या फिर आपकी जो माता जी है उनका नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम जो भी आपके अभिभावक है आप उनका नाम यहां पर दे सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, आपके माता हो, आपके पिता हो। फिर पैन कार्ड जो आपने नंबर यहां पर यानी कि जो भी ID आपने चूज की थी उसका नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी DOB एंटर करनी है और ये DOB भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। आपको यहां पर पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहां से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहां से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है तो आपकी DOB आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आपको यहां से इंडियन या फिर जो भी आपकी नेशनलिटी है वो चूज करनी है। डोमिसाइलियन की आप किस स्टेट के निवासी है वो स्टेट यहां से आपको चूज करनी है। जेंडर अपना यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो यहां से आपको चूज करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और टू, बेसिकली अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो मार्क कैसा भी हो, जलने का, कटने का, वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे कि यहां पर मैं मोल ऑन माई CHICK यानी कि ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसको लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क टू, अगर आपके बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करनी है कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो चलिए हम यहाँ से इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास कोई एक इनमें से क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मैं है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर इसमें से ऐसे ही रहने देना, यानी कि प्लीज सेलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स में आपको यहां पर अपनी वैलिड मोबाइल ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको क्या पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अंग्रेजी का छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, आपका एक स्पेशल वर्ड, इसके अलावा डिजिट होना आवश्यक है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद तो मैं यहां पर ए कैपिटल करूंगा, उसके बाद MZAD में स्मॉल में लिखूंगा और स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा और बाद में कोई भी डिजिट 2-3 लगा दूंगा तो पासवर्ड यहां पर बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। फिर आपको यहां पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इन दोनों के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहां से आपको SMS लैंग्वेज चूज कर लेनी है और जितनी भी जानकारी यहां पर आपने भरी है इन सबको एक बार कंफर्म करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी और आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको वो ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहाँ पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आ सकता है। बट अभी आपके सामने यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल अभी ऐड करनी है। ये ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है, जैसे कि आपका नेम, आपकी DOB और साथ ही यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छे से चेक की है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे MCA या फिर MTech या फिर MSc साथ में BTech की योग्यता या BE की योग्यता मांगी है। तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में MSc MTech जो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने कौन से स्ट्रीम में किया वो स्ट्रीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया है तो इसमें कंप्यूटर साइंस या फिर IT के अंदर ही ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ऐसा बोला है। फिर दोस्तों यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप कोई देना चाहते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, यहाँ पर लिख दीजिए। अगर दो मार्क है तो दूसरे मार्क के बारे में भी लिख दीजिए, नहीं तो अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। जो आपने ID सेलेक्ट की थी वो नंबर आपको देखने को मिल पा रहा है। अब नीचे जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर भर देना है और भरने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। ये जानकारी सेव होने के बाद आपके सामने और डिटेल में एजुकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेव हो चुकी है, कुछ जानकारी अभी आपको इसमें भी भरनी है। जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, कैंडिडेट स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है कि फाइनल ईयर है या फिर फाइनल ईयर आपने कर लिया है या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो, मार्क्स आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर CGPA, कैंडिडेट टाइप क्या है, रेगुलर डिप्लोमा इंटीग्रेटेड वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए और साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आता है यूनिवर्सिटी नेम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिए, अपने कॉलेज का नाम दे दीजिए। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही किया है तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी नेम भर देना है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी स्टेट से की है और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इस डिग्री AICTE UGC अप्रूव्ड तो आपको यहां पर टिक कर देना है क्योंकि ये अप्रूव्ड होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पर दोस्तों आपको सेकंड क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके पास BE या फिर BTech होनी चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है, कैंडिडेट स्टेटस, मार्क्स आपके किसके अंदर है वो आपको बताना है। पहले आपको बताना है कि एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर यानी कि 5 सेमेस्टर तक आपके कितने परसेंटेज है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको टोटल जो सेमेस्टर है आपके उनको मिलाकर के कितनी परसेंटेज होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि 7 सेमेस्टर इन केस ऑफ BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पर आप ऐसे भी उसके जो परसेंटेज है वो काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, इसका फॉर्मेट भी PDF का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर देना है, कॉलेज नेम देना है, कॉलेज स्टेट देनी है, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। फिर आती है आपकी 12th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर जो आपकी 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, इसका साइज PDF का 1 MB में ही रहना चाहिए। फिर आपको बताना कि आपकी 12th किसके अंदर है, 12th साइंस है या फिर डिप्लोमा है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की जानकारी देनी है कि आपके इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने थे। बेसिकली टोटल इस तरफ आपको टोटल मार्क्स लिखना है और इस तरफ आपको ये लिखना है कि उसमें से आपको कितने नंबर आए थे। ये सब जानकारी आपको फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर अपनी मार्कशीट का नंबर देना है, अगर वो नहीं है
है तो आप रोल नंबर भी दे सकते हैं। कौन से स्टेट से आपने अपनी 12वीं की थी वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कौन से बोर्ड से की थी, स्टेट बोर्ड या फिर इनमें से किसी बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आती है 10th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर मार्क्स CGPA में बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। फिर आपको टोटल मार्क्स, अगर मार्क्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो भरने हैं, उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। आपकी जो 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर वो नहीं है तो आप 10th का रोल नंबर दे दीजिए। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जानकारी को चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो आ जाएगी, यानी कि जो आपकी एजुकेशन की जानकारी है ये सेव हो जाएगी। जहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ आपका परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपके कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस में ये बताना है कि आपका एड्रेस सेम है या फिर अलग है। अगर सेम है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए और अलग, और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिए। नीचे यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, सिग्नेचर व्यू कर सकते हैं, आपका जो स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल है वो भी आप व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप इसमें आपकी क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से जानकारी आ जाएगी, आपको यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला है कि फुल नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर है वो यहाँ नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अन्य जानकारी को कंफर्म करना है, फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सेकंड जानकारी आपके क्वालिफिकेशन की कंफर्म की आ जाएगी, आपको इन सभी को कंफर्म कर लेना है। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर बोला है कि सिलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसिडर सब्जेक्ट इन टू एग्रीगेट परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड की जानकारी आ चुकी है, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन आर्म फोर्स बिफोर, क्या आपने पहले भी आर्म फोर्स के अंदर नामांकन किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अटेंडेड एनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि SSB, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू मर्चेंट नेवी पर्सनल, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डू यू हैव नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहां पर भी नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो एड्रेस की जानकारी वो आ चुकी है, आपको उनको कंफर्म करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ जानकारी अतिरिक्त आ चुकी है जैसे कि मिसलेनियस, तो आपसे पूछा कि आपने इस वैकेंसी के बारे में, इस एंट्री के बारे में कैसे जाना, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर क्या चीज मोटिवेट करती है इसमें ज्वाइन करने के लिए, वो आपको यहां पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर इंप्लॉयड, क्या आप अभी रिसेंट में इंप्लॉयड हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर भी क्लिक करना है। फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए उनको वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो 7 ऑप्शन है वो आ चुका है, यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन है इसलिए यही सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने फिर से आपकी जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है, आपको इन सभी जानकारी को प्रीव्यू कर लेना है। और इसके बाद श्योर होकर के कि हाँ इसके बाद मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जितनी भी डिटेल्स है वो अब सबमिट हो जाएगी। तो आप देख लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप नीचे यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका
पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही आप यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए, आपके फॉर्म का स्टेटस यहां पर नीचे देखने को आपको मिल जाएगा। व्यू और डिलीट भी इसको आप यहां से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंडियन नेवी एसएससी आईटी ब्रांच ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।